ट्रैफिक का जो हुजूम है, इसकी कुछ गलती हमारी और कुछ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट काफ़ी खुली है और जहाँ पर यहाँ पर सरकार ने वाइडिंग भी की और वो लोग करोड़ों का मुआवजा ले चुके, लेकिन फ़ायदा नहीं है हमें उस वाइडिंग का। तो फिर बेहतर था किसी की प्रॉपर्टी छीनने से बेहतर था कि उसकी प्रॉपर्टी होती, और आज उन्होंने वाइडिंग कर दी है और आप देख लीजिए वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, जिससे यहाँ पर दिन में बहुत परेशानी होती है लोगों को। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर काफ़ी शोर भी हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली नाकारा हो चुकी है, इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट लेने को तैयार ही नहीं, और हमें समझ नहीं आ रही कि कम से कम इनको तो जिम्मेदारी ये तो कर सकते हैं। मैं म्यूनसिपल कमेटी से बताना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते हैं यहाँ पर शहर में सिस्टम ठीक रहे, तो सबसे पहले उन्होंने एक क्रेन का बंदोबस्त करना होगा, जिससे यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग में जो भी गाड़ी खड़ी हो उसको जब्त किया जाए, ताकि लोगों में ये खौफ बन जाए कि है इसका चार्ज 1500 रुपये जब काटेगा एक गाड़ी का। और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जाम की काफ़ी सहूलत मिलेगी लोगों को, और आने वाले वक्त में आप देख लीजिए हमारे फायर सर्विस, कल यहाँ शहर में आग लगी कहीं पर, कोई 10 दिन पहले हमारे जोगी मेला में, तो बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों इतना जाम है कि अगर कहीं आग भी लग जाए तो तब तक खाक बन चुकी होगी जब तक वहाँ पर फायर सर्विस पहुँचेगी। और ये सारी जिम्मेदारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन पर होती है, जो कि यहाँ पर पर्सनली इंटरेस्ट लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और हम बता देना चाहते हैं उनको कि काफ़ी लुका छुपी हुई आप, और उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर अब बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, किसी को बीमार जाना होता है, मामूली सी जगह है ये, 3 किलोमीटर का एरिया है भदरवाह में, और इसमें एक एक दो दो घंटे यहाँ पर जाम लगता है, ये तो बड़े शर्म की बात है। फौरन इसको हम डीसी डोडा से भी गुजारिश करते हैं कि वो इसको देखे, वो यहाँ पर लोगों के मसले देखे, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी आने वाले हैं, जिससे टूरिस्ट भी परेशान होते हैं, और हमारे जो बच्चे स्कूल के वो भी परेशान होते हैं, हमारे पेशेंट होते हैं वो भी परेशान होते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, चलने के लिए यहाँ फुटपाथ नहीं है, अंधेर घर्दी चौपट राज बना हुआ है यहाँ पर। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा म्यूनसिपल डिपार्टमेंट सिर्फ माल कमीशन के लिए, उनको सिर्फ चाहे रेडियो के चार्जेस लगाओ तो माल ले लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, उन्होंने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर उसको हटाया जाए या इसको हटाया जाए। हमारी जनरल डिमांड है जो भी यहाँ पर काम काज करता है उसके लिए उसकी जगह मुकर्र की जाए, ताकि वो भी अपना काम कर सके, हम किसी के फेवर में नहीं, किसी को उठाया जाए यहाँ पर। पब्लिक के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा लगता है वो एक्शन ले सकती है, ताकि भदरवाह के लोग आवाम से रह सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी के साथ निकालते हैं।